नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। अच्छी शुरुआत विदेशी बाजार से होती हुई दिख रही है। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके सामने। सेंसेक्स निफ्टी 12,102 के लेवल्स पर खरीदारी के साथ कर रहा है ट्रेड। वहीं तमाम एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। हांगकांग के बाजार यहां पर करीब 122 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। निक्केई और शांघाई में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड आप देखेंगे। लेकिन कल अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, कल ही नहीं, लगातार 3-4 दिनों से अमेरिकी बाजार में बढ़त जो है वो बिल्कुल कायम है। डाउ जोन्स देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल भी बंद होता हुआ दिखा। S&P और नैसडैक में भी तेजी के साथ ही ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं हम। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझ लेते हैं। वो बताने के लिए हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमारे साथ शेयर करेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ये लगातार अमेरिकी बाजार तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ट्रेड डील ही वजह है मानसी। गुड मॉर्निंग। देख सकते हैं एशिया बाजार, अमेरिकी बाजार, यूरोपीय बाजार, ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल इस समय बरकरार है। कल भारतीय बाजार में भी हमने देखा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड बनाया और चौथे दिन अमेरिकी बाजार ने रिकॉर्ड बनाया। तो कह सकते हैं कि जब से अनाउंसमेंट आया है कि फेज 1 ट्रेड डील हो चुकी है, इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यही नहीं, कल शाम US ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि जनवरी में इस फेज 1 डील पर साइन भी हो जाएगा। तो एक फाइनैलिटी आ गई है जहां तक ट्रेड वॉर का कंसर्न था। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल चीन से बहुत अच्छा डेटा है, रिटेल सेल्स अच्छी रही। कल शाम अमेरिका से बहुत अच्छा डेटा आया, उनका जो हाउसिंग मार्केट इंडेक्स है वो अपने 20 साल के उच्च स्तर पर है। वहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 5 महीने के उच्च स्तर पर है। तो दोनों तरफ से डेटा अच्छा आ रहा है, ट्रेड डील से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसलिए निवेशक काफी खुश हैं इस समय। डाउ में 100 अंक की तेजी, एक बार फिर से नया रिकॉर्ड। टेक्नोलॉजी शेयर्स कल शाम US मार्केट्स में काफी स्ट्रांग रहे, तो 1% का उछाल हमने नैसडैक में देखा और S&P 500 का भी अच्छा ही प्रदर्शन रहा। गोल्डमैन सैक्स के शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो वहां से भी काफी मजबूत संकेत आ रहे थे और UK के मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पाउंड में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है, तो वहां पर एक फैक्टर रखना पड़ेगा। यही नहीं, इसके साथ हम देख रहे हैं कि तेल के दामों में भी तेजी का ही माहौल है, बल्कि इस समय WTI $60 के ऊपर है और ब्रेंट भी तकरीबन $65 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो वहां से शायद थोड़ा कंसर्न आ सकता है, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि कच्चे तेल के दामों में 20% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है और ये धीरे धीरे करके ऊपर ही बढ़ रहे हैं, ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है एटलीस्ट पिछले 2 महीनों में। रुपए की बात करें तो कल 6 दिन की तेजी के बाद रुपए में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली, तो 18 पैसे की गिरावट कल रुपए में देखने को मिली, 71 रुपए पर डॉलर के आसपास इस समय है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर विदेशी बाजार से हम कह सकते हैं कि संकेत बेहतर हैं। और दीपांशु, अगर देखें तो थैंक्स गिविंग के बाद ही और साथ ही न्यू ईयर सीजन जो अब शुरू हो चुका है, इसे देखते हुए भी ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पर ट्रेंड ही करते हुए हम देख रहे हैं, ट्रेंडिंग करते हुए देख रहे हैं। और ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद जो क्रिसमस का सीजन है वो आ जाएगा, तो इसके बाद 2 हफ्ते तक शायद वॉल्यूम्स थोड़े कम रहें, तो इस समय निवेशक चाहते हैं कि जितनी पोजीशंस वो बना सकते हैं, जितना ट्रेड वो कर सकते हैं उतना कर लें। तो ये हफ्ता काफ़ी अहम रहेगा जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, क्योंकि फिर इसके बाद 2 हफ्तों के लिए थोड़े वॉल्यूम्स में हर साल गिरावट देखने को मिलती है। तो एक्शन बरकरार है और कॉन्फिडेंस है, इसलिए तेजी का माहौल भी बरकरार है इस समय। दीपांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिर्फ C2 फैक्टर जो कि क्रूड में हम बढ़त देख रहे हैं और साथ ही करेंसी की कमजोरी थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी बन सकती है, लेकिन इसके अलावा विदेशी बाजार के संकेत फिलहाल बेहतर देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIIs DIIs की तरफ से एक्शन कैसा रहा, आपको एक बार बता दें। कैश मार्केट में FIIs की तरफ से 728 करोड़ की खरीदारी देख रहे हैं हम, और वहीं घरेलू निवेशक कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली करीब 795 करोड़ की। और वायदा बाजार की अगर बात करें तो FIIs की तरफ से यहां पर 730 करोड़ के करीब की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो क्लियरली FIIs कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, जितनी खरीदारी वहां पर कर रहे हैं उतनी वायदा बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार के संकेत बेहतर हैं, कैसे समझे इन्हें और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? देखिए, गिरावट में खरीदारी की रणनीति के साथ चलना है और आज आपको कल जो अच्छा करेक्शन मिला उसके बाद खरीदारी के मौके हैं। कल क्लोजिंग के वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि खरीद कर जाना चाहिए, ग्लोबल मार्केट ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कच्चा तेल और रुपया थोड़ा सा हमारे ऊपर के लेवल पर है, कच्चा तेल और रुपया थोड़ा कमजोर हुआ, इसलिए LTC कल कमजोरी दिखी है। तो आज अगर करेंसी मार्केट में कोई खास गिरावट ना हो और रुपया स्टेबल खुल जाए और 265 के आसपास ही एशियाई बाजारों में जो तेजी उसको देखते हुए
खरीदारी करनी चाहिए। अब 12,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 11,975 12,025 ये 50 पॉइंट की रेंज को आप मजबूत सपोर्ट मानकर चलिए। ऊपरी स्तरों पर 12,125 12,150 वो रेंज होगी जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखी जाए, और बहुत जब से खुल जाए ऊपर के तो लेवल पर पहुंचे तो कली की तरह वहां पर शॉर्ट करने के मौके भी बनेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, 31,700 मजबूत सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, आसानी से टूटेगा नहीं, तो इस रेंज के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 32,150 32,200 थोड़ा रुकावट का लेवल है, इसे पार किया तो फिर 200-300 पॉइंट की तेजी और बनेगी, तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल अनिल जी, साथ ही सेक्टर्स आज कौन से अहम होंगे जिन पर फोकस रखना चाहिए? देखिए निचले स्तरों से मेटल थोड़े से ठीक हो जाएंगे आज ग्लोबल मार्केट ठीक है, तो दूसरा ये कि फार्मा कंपनियों ने कल से तेजी बनना शुरू हुई है, अच्छी खबरें आई हैं, मुझे लगता है 1-2 दिन और फार्मा सेक्टर थोड़ा मजबूत रहना चाहिए। तीसरा सरकारी कंपनियां, ये बायोइंडस्ट्री, तो बेसिकली मेटल्स और सरकारी कंपनियां दो ऐसे स्पेस हैं जहां गिरावट में खरीदारी करते हैं। बिल्कुल अनिल जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फार्मा, सरकारी कंपनियां, मेटल कंपनियां, बैंक स्टॉक्स, इन तमाम सेक्टर पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो निफ्टी देखिए 11,975 से 12,125 की ट्रेडिंग रेंज, जहां पर पहली ट्रेडिंग रेंज समझकर आप चल सकते हैं 11,975 से 12,125 के। वहीं बैंक निफ्टी यहां पर भी एक ट्रेडिंग रेंज फिलहाल शुरुआती तौर पर 12,125 से 12,150 की, ऊपरी स्तर इन लेवल्स पर संभव है, इस ट्रेडिंग रेंज को आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। 31,700 से 31,800 पर बैंक निफ्टी को मजबूत सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। अब देवांशी आचार्य से जानते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा। देवांशी गुड मॉर्निंग बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आज सबसे पहले तो आप पीवीएन सेटोगर्स पर नजर कीजिए, डीएचएफएल ये स्टॉक फोकस में रहेगा, जहां पे लेनदारों को अपने क्लेम 17 दिसंबर तक एडमिनिस्ट्रेटर को देने होंगे और ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। और साथ ही जेट एयरवेज, इस स्टॉक पर भी आप नजर रखें क्योंकि एनसीएलटी ने जेट एयरवेज के स्लॉट पर सफाई मांगी है, और साथ ही आज आप देखिए जेट एयरवेज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा आप देखिए आज के दिन सिप्ला स्टॉक पर नजर रखिए, जहाँ पे एंटी डायबिटिक की जो दवा है व्यवसाय इसका जो ट्रेडमार्क है वो कंपनी को मिल चुका है, भारतीय कारोबार के लिए ये ट्रेडमार्क राइट्स जो है वो कंपनी को मिल चुके हैं। इक्विटास होल्डिंग इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, जहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के लिए कंपनी ने अर्जी दे दी है, सेबी के पास आईपीओ के लिए अर्जी दी है, आईपीओ के जरिए करीब 550 करोड़ रुपए जुटाने पर फोकस किया जाएगा। और साथ ही रेमंड प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी में अतिरिक्त 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है, 12 दिसंबर को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए अतिरिक्त हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने कंपनी में खरीदी है। एनआईटी टेक स्टॉक पर नजर कीजिए, जहां पे 23 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है, बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। जेएम फाइनेंशियल्स की भी 19 दिसंबर को बैठक होने वाली है, पूंजी जुटाने पर कंपनी का बोर्ड विचार करते हुए दिखेगी। अपोलो हॉस्पिटल, स्ट्राइस फार्मा और अदानी ट्रांसमिशन ये तीनों स्टॉक पर आज नजर रखिए, क्योंकि जो गिरवी रखे शेयर्स हैं ये तीनों कंपनी के प्रमोटर्स ने छुड़वाए हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कैटलिस्ट ट्रूशिप के पास करीब 5.5-7.5% तक की जो गिरवी रखे शेयर्स थे वो प्रमोटर्स ने छुड़वाए हैं। साथ ही स्ट्राइस फार्मा में प्रमोटर ने 16% गिरवी रखे शेयर्स छुड़वा दिए हैं और अब प्रमोटर का करीब 15.5% का जो हिस्सा है वो गिरवी है। और अदानी ट्रांसमिशन, विस्तरा ITCL के पास 3.5% के करीब का जो हिस्सा था वो गिरवी था, वो कंपनी ने छुड़वा दिया। और आखिर में टाटा मोटर्स स्टॉक पर नजर कीजिए, जहां पे पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों के लिए JV करने पर कंपनी विचार कर रही है, चीन की कंपनी के साथ करार करने की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है, तो इसके चलते आज ओके देवांशी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आपको बता दें तमाम ट्रेडिंग कॉल्स खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। शुरुआत सीधा आनंद राठी से करते हैं, उनका मानना है कि TCS पर आपको खरीदारी करनी है, 2180 के लक्ष्य को यहां पर ध्यान में रखा जाए, 2095 का यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ग्लेनमार्क फार्मा पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, यहां पर खरीदारी कीजिएगा, 358 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 335 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएगा। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि औरबिंदो फार्मा और साथ ही इन्फोसिस दोनों पर ही खरीदारी करके चल सकते हैं, औरबिंदो फार्मा 472 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 444 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी कीजिएगा। और साथ ही इन्फोसिस में 700 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 732 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। वहीं हमारे खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिए दो शेयर सुझाए हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं वो दो शेयर्स। मुथूट फाइनेंस 720 रुपए पे क्लोज हुआ है और इसका जो स्टॉप लॉस है
मैं 709 रुपए पे रखने के लिए एडवाइस दूंगा और 740 का टारगेट आपका आ सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल करके मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो करीब 510 रुपए पे कोट करती है। इसके अंदर आप 491 का स्टॉप लॉस रखें एक पोजिशनल लेवल के हिसाब से और 540 का टारगेट के हिसाब से आप लेके चल सकते हैं। तो बाजार और ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही नहीं बाजार के बाद भी हमारी पूरी नजर होती है किस तरह से आपको सारी की सारी जानकारी दी जाए। आपको बता दें बाजार आज और कल में आपको मिलता है बाजार के दिन भर का एक्शन और अगले कारोबारी सत्र में क्या हुआ आपकी स्ट्रेटजी, इस पर एक्सपर्ट देते हैं सलाह। कमाना है मुनाफा तो सोमवार से शुक्रवार शाम 7:26 पर जी बिजनेस के साथ जुड़ना ना भूलें। और आज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे। रोहित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर अपना नजरिया आज के लिए बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आई थिंक इंडेक्स के अंदर स्ट्रक्चर ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव साइड में, कल हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी दो मॉर्निंग से, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब तक निफ्टी 12,000 के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है कि बाय और डिप की स्ट्रेटजी इंटैक्ट रखनी चाहिए, तो मुझे निफ्टी के अंदर बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा 12,000 ही रहेगा और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर 12,150 और ये एक्सपायरी बेसिस पर मुझे लग रहा है कि 12,250 तक हम लोग को निफ्टी देखने को मिल सकता है, तो मोटा मोटा बाय और डिप की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इंडेक्स में। रही स्टॉक स्पेसिफिक बात, मुझे लग रहा है कि केस इंटरनेशनल काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है कल के सेशन में, मुझे लग रहा है कि ऐसे 300-305 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है, तो केसी के अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक सीमेंस रहेगा, एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हम लोगों को कल के सेशन में देखने को मिला है, वॉल्यूम काफी एक्टिव थे, दो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आया है बट मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट इंटैक्ट रहेगा, यहाँ पर ही बाय करने की सलाह रहेगी 1530-1550 के टारगेट के लिए। ओके रोहित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर गिरावट पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। इंडेक्स की अगर बात करें 12,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर ध्यान में रखें, 12,150 का यहाँ पर टारगेट आप मानकर चल सकते हैं। बाय कॉल इनिशिएट करने की राय मिलती हुई दिख रही है और स्टॉक स्पेसिफिक दो स्टॉक सुझाए गए हैं रोहित की तरफ से। केईसी इंटरनेशनल यहाँ पर 289 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 300 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। साथ ही सीमेंस 1460 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 1530 का टारगेट ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं FIR की, यानी कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। और हमारे इस खास सेगमेंट FIR में हम आपको बताते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नजर किन शेयर्स पर है। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी रिसर्च एनालिस्ट सृष्टि शर्मा। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले आज नजर डालते हैं सिटी के मॉडल पोर्टफोलियो में, उन्होंने काफी बदलाव किए हैं और जिन स्टॉक्स पे उनकी नजर है आइए देखते हैं। तो इसमें उन्होंने HDFC लाइफ, फीनिक्स मिल्स एंड JSW एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है और जहां पे उन्होंने हेर बदल की है उसमें अंबुजा सीमेंट्स को हटा के उन्होंने ACC जोड़ा है, BEL को हटा के उन्होंने पॉलीकैप जोड़ा है और SBI को हटा के उन्होंने SBI लाइफ जोड़ा है और ये हैं उनके कुछ टॉप लार्ज कैप पिक्स। इसके अलावा CLSA की डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों पे काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने नवंबर महीने में करीब 17% की ग्रोथ बताई है सारी फार्मा कंपनीज को लेकर और बायोकॉन को छोड़ के लगभग सभी फार्मा कंपनीज ने डबल डिजिट में ग्रोथ अपनी रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने ग्लेनमार्क और डॉक्टर रेड्डीज जो है ये दो कंपनीज इंडस्ट्री को आउटपरफॉर्म कर रही हैं ऐसा बताया है। इसके अलावा मारुति पे आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की पॉजिटिव रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने एक रेटिंग अपग्रेड किया है। आप देखिए पहले न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे थे पर अब वो मारुति पे खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1200 से बढ़ा के उन्होंने पहले जो लक्ष्य दे रहे थे 7450 से बढ़ा के 8650 कर दिए हैं। उनका मानना है कि BS6 में जो बदलाव होंगे उससे मारुति को सबसे ज्यादा कम खतरा है। इंडसइंड बैंक पे हमने देखा था कि कल भी दो पॉजिटिव ब्रोकरेज साइन थी, आज मॉर्गन स्टेनली की भी रिपोर्ट है जिसपे उन्होंने खरीदारी की राय दी है, ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 1700 से बढ़ा के 1800 के दे दिए हैं। मजबूत कैपिटल के चलते उन्होंने अपनी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। और आखिरी में रिलायंस पे आज मॉर्गन स्टेनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसपे उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है और लक्ष्य 1750 के आसपास बताए हैं। उनका मानना है कि जितने भी बड़े ऑयल कंपनीज हैं उनका काफी ज्यादा फोकस अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ होगा और रिलायंस भी कहीं ना कहीं अब ये करता जरूर नजर आएगा। ओके सृष्टि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा कमोडिटी बाजार के लिए आज के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए बताते हैं। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी पर अपना आउटलुक बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी,
कल के सेशन में हमने देखा था प्राइजेस में एक अच्छा खासा जंप आया था। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में जिस दिन से रुपए में एकाएक जो गिरावट बढ़ी उसका सीधा सीधा असर हमने सोने और चांदी पे आते हुए देखा। पिछले हफ्ते हमने देखा यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील का फर्स्ट फेज भी होता हुआ दिखाई दिया। डिस्पाइट डेट हमने सोने चांदी में तेजी देखी जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि डॉलर पे प्रेशर बना हुआ है जो तेजी का रुख है। बट इंपॉर्टेंट रहेगा 38,100 का लेवल तोड़ना क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट पे है। तो आज के लिए हमें 37,750 के ड्रॉप पे हमको गोल्ड लेना है। 38 से 38,50 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाएगा। वहीं चांदी 44,300 की रेंज में लेना है जो 44,700 तक का लेवल दिखा सकती है। अजय साथ ही क्रूड की चाल बढ़त दिखा रही है, आगे लेवल्स कौन से देख रहे हैं आप? मानसी मुझे लगता है क्रूड में बहुत ही बड़ा इवेंट हमने ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। ओपेक का हमने प्रोडक्शन कट एक्सटेंड होते हुए देखा। डिस्पाइट इट कोई बड़ी तेजी नहीं आई। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट साथ में यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील हुआ है उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हमने प्राइजेस में देखा। बट इस वक्त भी आप देखेंगे तो WTI 60 के करीब ही है और ब्रेंट भी 65 के करीब है। तो अनलेस अनटिल कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में आज रुपए की गिरावट की वजह से भी मुझे लगता है कि 40-40 के ड्रॉप पे लेना चाहिए। जो अपसाइड लिमिटेड रहेगा 4280 से 4300 तक। बिल्कुल अजय जी, कल के सत्र में हमने देखा करीब 18 पैसे की कमजोरी रुपए में देखी गई, क्या यहाँ से मजबूती आएगी या फिर यहाँ पर कमजोरी ही देखने को मिलेगी? मानसी मुझे लगता है ऑलरेडी काफी अच्छी रैली हमने रुपए में आती हुई देखी। अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है टाइम है। इससे पहले भी हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट थी जिसकी वजह से रुपए में स्ट्रेंथ बन रहा था। ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस 70-90 के करीब मिलता है फ्यूचर्स पे तो लेके चलना चाहिए। टाइमिंग मुझे लगता है 71-20 तो इमीडिएट टारगेट बट 71-40 तक का भी लेवल हम रुपए में देख पाएंगे। ओके अजय जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले केंद्र ने जीएसटी कंपनसेशन विवाद सुलझाने की बड़ी पहल की है। केंद्र ने राज्य को 35,300 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जारी कर दिया है। राज्यों का केंद्र पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन बकाया है जिसे लेकर काउंसिल की बैठक में हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले केंद्र ने कंपनसेशन की किश्त जारी कर एक बड़ी पहल की है। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।